नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं शिविर। प्रवर्तन निदेशालय एक दो दिनों के भीतर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को दूसरा नोटिस भी भेज सकता है। अवैध खनन मामले में दूसरा समन भेजा जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी से सीएम को पेश होने के लिए एक सप्ताह का समय देने की उम्मीद है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कई सबूत मिले हैं। अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कानून के मुताबिक ईडी किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस जारी करता है। समन का पालन न करने की स्थिति में एजेंसी अदालत से गिरफ्तारी आदेश जारी करने की प्रार्थना कर सकती है। हेमंत सोरेन को अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने बीते 3 नवंबर को सुबह 11:30 बजे बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी व्यस्तता के कारण पेश होने के लिए 3 हफ्ते के समय की मांग की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। रुके लाइव लगातार के साथ। नमस्कार। We'll be right back.